हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एंजॉय कुकिंग। आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं रवा और नारियल के मोदक। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच घी लिया है। घी को गरम करना है और उसमें ऐड करना है बारीक वाली आधा कप सूजी और उन दोनों को सेकना है। रवा नारियल के मोदक बनाने के लिए मैंने आधा कप पतला वाला बारीक वाला रवा लिया है और उसे एक चम्मच घी में धीरे आंच पर सेकना है। करीब 8 से 10 मिनट तक सेकना है, जब तक यह गुलाबी ना हो जाए। ध्यान रहे गैस को मीडियम गैस पे ही रखना है, लो टू मीडियम रखना है, फास्ट नहीं करना है। हमें रवा को कंटिन्यूसली चलाना है जब तक यह थोड़ा सा गुलाबी ना हो जाए। यह देखिए, यह हमारा रवा अच्छे से सीक गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप कोकोनट पाउडर। आप गीला नारियल हो तो वो भी डाल सकते हैं किसके, और सूखा हो तो वह भी डाल सकते हैं। यह मैं आधा कप कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसे फिर से 2-3 मिनट सेकना है लो फ्लेम पर। यह हमारा रवा और नारियल का मिक्सर अच्छे से सीक गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा बाउल दूध। गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। ये देखिए, दूध पूरा इसमें डिजॉल्व हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच मलाई। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। आप चाहे तो मलाई वाला दूध डाल सकते हैं या दूध के साथ में थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, और पापा को मोदक प्रिय है तो यह सॉफ्ट सॉफ्ट मोदक पापा को बहुत पसंद आते हैं। यह मलाई भी इसमें मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें आधा बाउल पीसी हुई शक्कर। अब हमने इसमें शक्कर डाली है, इसलिए एक बार ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर से ग्रिप पकड़ लेगा। हमें शक्कर को अच्छे से मिलाना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर का पानी। यह देखिए, यह मैंने केसर का पानी बना के रखा है। आप चाहे तो पानी में भिगो के रखे, आप चाहे तो दूध में भिगो के रखे, या आप चाहे तो येलो कलर भी डाल सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। यह मैंने 6-7 इलायची कूट के इसमें डाली है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ दे। ध्यान रहे गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। ये देखिए, करीब 2-3 मिनट हो गए हैं मुझे इसे लो गैस पे सेकते हुए। अब हम इसे थोड़ा सा फैला के गैस को बंद करके ढक देंगे। ये देखिए, मैंने इसे फैला दिया है। अब हम इसे करीब 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि रवा अच्छे से फूल जाएगा और थोड़ा और ड्राई हो जाएगा।
ये 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारा रवा का मोदक का मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। यह मैंने थोड़े से पिस्ता काट के रखे हैं और यह मोदक मोल्ड इसमें ग्रीस करके रखा है, घी लगा के रखा है। मोदक मोल्ड में हम पिस्ता लगाएंगे। और हम फ्रेंड्स, ये कोकोनट मोदक, कोकोनट और रवा के मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और पापा के बहुत ही फेवरेट है। ये देखिए कितना अच्छा है। मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। आप चाहिए तो ड्राई फ्रूट्स अंदर भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप क्वांटिटी डबल कर लीजिए अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने सब कुछ आधा आधा कप लिया है तो आप एक एक कप कर लीजिए, दो दो कप कर लीजिए, सेम क्वांटिटी लेना है। इसी तरह हमको सारे मोदक बनाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सूजी और नारियल के मोदक तैयार हो गए हैं। पूरे 11 मोदक बने हैं। मैंने हाफ हाफ बाउल का प्रोपोर्शन लिया था तो पूरे 11 मोदक बने हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप डबल ट्रिपल वैसे कर सकते हैं। बहुत इजी है याद करने के लिए। सब कुछ आधा आधा, मतलब सब कुछ सेम प्रोपोर्शन में लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हैप्पी गणेश चतुर्थी। एंजॉय कुकिंग।